के गेहूं का दाम ऊंचा होने से मिस्र की सरकारी एजेंसी ने आयात का टेंडर किया स्थगित। दरअसल मिस्र की सरकारी अनाज खरीद एजेंसी GAHC ने 1 से 10 मई के शिपमेंट के लिए गेहूं के आयात का एक टेंडर जारी किया था, लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया है क्योंकि उसमें ऑफर मूल्य काफी ऊपर था। इस टेंडर में सबसे नीची बोली बुल्गारिया मूल के गेहूं की लगाई गई। हालांकि मिस्र की सरकारी एजेंसी ने टेंडर निरस्त करने का कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसका ऑफर भाव उसे पसंद नहीं आया। दिलचस्प बात यह है कि बुल्गारिया मूल के गेहूं की दो बोली लगाई गई थी, जिसमें एक बोली में गेहूं का मूल्य $242.20 प्रति टन था और जबकि दूसरी बोली में $250.27 प्रति टन था। बुल्गारिया पूल के अलावा रोमानिया और फ्रांस के गेहूं का ऑफर भी काफी अट्रैक्शन वाला था। कुल मिलाकर इस टेंडर में 27 ऑफर प्राप्त हुए थे। रूस के गेहूं का ऑफर काफी ऊंचा था, इसलिए वो कंपटीशन से बाहर हो गया। बुल्गारिया मूल के गेहूं के लिए 180 दिन और 270 दिन में भुगतान करने का आकर्षक ऑफर भी दिया गया था। जहां तक रूस के गेहूं की बात है तो उसका ऑफर मूल्य $235 प्रति टन 180 दिनों में भुगतान के लिए तथा $210 प्रति टन का ऑफर 270 दिन के भुगतान के लिए दिया गया था। माना जा रहा है कि गेहूं का वैश्विक बाजार भाव इस टेंडर में पेश किए गए ऑफर से नीचे चल रहा है, इसीलिए मिस्र की सरकारी एजेंसी ने फिलहाल टेंडर को स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।